अगेन फ्रॉड है, जैसे कि इनके 20,000 mAh के साथ था। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग दिखाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ MI का पावर बैंक 3i 10,000 mAh। ये 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। इसमें डुअल आउटपुट और इनपुट पोर्ट्स हैं, स्मार्ट पावर मैनेजमेंट है और ये एडवांस 12 लेयर ऑफ चिप प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो चलिए करते हैं आज इस पावर बैंक को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं ये सब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने और भी बहुत सारे पावर बैंक्स को टेस्ट किया, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कैपेसिटी को, कितनी बार वो आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेंगे, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर आईसी है, कौन सी पीसीबी है, ये सब कुछ आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देख रखा है, आपको लिंक उनका आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं इस पावर बैंक को अनबॉक्स। ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में, कैसा ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये MI का पावर बैंक है 3i 10,000 mAh, 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, डुअल आउटपुट इनपुट पोर्ट है, स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, एडवांस 12 लेयर ऑफ चिप प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाएगी। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, मॉडल, सेल कैपेसिटी, MRP, इसकी डायमेंशन, कहाँ ये बना हुआ है, किसने इसको बनाया है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तो ये है बॉक्स जिसमें ये पावर बैंक आता है। चलिए करते हैं इसको अब अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले है एक यूजर मैनुअल, आगे है मेन पावर बैंक जो कि काफी अच्छे से रैप होके आया है इस प्लास्टिक में। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये है MI का पावर बैंक 3i 10,000 mAh। और फाइनली डिब्बे में है एक USB Type-A2 micro USB केबल। बस बॉक्स में यही कुछ मिलता है। चलिए अब पावर बैंक को देखते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पुराने वाले इनके पावर बैंक से, तो डायमेंशन में ये मोटा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, लंबाई बढ़ गई। अगर मैं रियलमी से इसको कंपेयर करता हूं तो ऑलमोस्ट सेम साइज़ मिलना चाहिए, लंबाई सेम है, चौड़ाई भी लगभग सेम है और मोटाई भी लगभग सेम है। तो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, मेटल की बॉडी है, यहाँ पर बिस का लोगो इंग्रेव कर रखा है। यहाँ पर आपको इसके फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वोल्टेज इसको सपोर्ट करता है। और आगे की साइड को 2 USB Type-A पोर्ट है, यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो। एक micro USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और USB Type-C पोर्ट, ये भी चार्जिंग के लिए है। एक फिजिकल बटन है जिससे आप इसकी कैपेसिटी को मॉनिटर कर सकते हो और साथ में इसको लो पावर मोड पर डाल सकते हो, जिससे आप अपने छोटे गैजेट्स को जो कि कम पावर कंज्यूम करते हैं उसको सेफली चार्ज कर सकते हो। चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको चार्ज कर लेता हूं और देखता हूं कि किस किस वोल्टेजेस पर और किस किस करंट पर ये चार्ज होता है। यहां पर आप पढ़ सकते हो कि ये USB Type-C पोर्ट से 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पर चार्ज हो सकता है और micro USB एंड से 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पर। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। इसकी चार्जिंग के लिए मैं BSS के इस चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूं और चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए विट्रन के इस U2 का। चलिए सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेता हूं USB Type-C एंड को। Type-C एंड से आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो एट 9.11 वोल्ट अराउंड 1.85 एम्पियर पर, मतलब कि 16.9 वाट पर, तो अराउंड 17 वाट पर ये चार्ज होता है। चलिए एक बार PD 3.0 से भी देख लेते हैं कि ये काइसन चार्ज होता है। PD 3.0 में ये 8.79 वोल्ट पर चार्ज होता है एट 1.85 एम्पियर, मतलब कि 16.35 वाट पर। सेम चीज़ को अगर मैं इनके पुराने पावर बैंक पर टेस्ट करूं, ये चार्ज होता है 11.8 वोल्ट और 1.7 एम्पियर पर, मतलब कि अराउंड 21 वाट पर। चलिए MI के अपने 27 वाट के चार्जर से इसको चार्ज करके देखते हैं। सेम थिंग है, 9.15 वोल्ट पर 1.85 एम्पियर करंट जा रहे, मतलब कि 17 वाट पर ये चार्ज होता है। और अगर मैं पुराने पावर बैंक को टेस्ट करूं, तो ये चार्ज होता है 12.1 वोल्ट पर अराउंड 1.7 एम्पियर करंट जाते हैं, मतलब कि 20 वाट पर। मैंने दोस्तों और भी बहुत सारे चार्जर्स को टेस्ट किया, किसी से भी ये पावर बैंक 12 वोल्ट पर चार्ज नहीं हो रहा है। मैंने QC 3.0, 4.0, 2.0 सबसे ट्राई कर लिया,
किसी से भी ये पावर बैंक 12 वोल्ट पर चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो क्लेम किया जा रहा है कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट से ये 12 वोल्ट पर एट 1.5 एम्पीयर तक चार्ज हो सकता है, ये गलत है। मैंने तो ट्राई कर लिया, अगर आपको कहीं पर कुछ मिला है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, बट आई डजंट थिंक डैट कि ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर अगेन फ्रॉड है, जैसे कि इनके 20,000 mAh के साथ था। तो यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि ये 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है चार्जिंग में, बट नो नेवर। चलिए अब माइक्रो यूएसबी पोर्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही क्लेम है, देखते हैं कि क्या माइक्रो यूएसबी एंड से मुझे 12 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। MI का नेटिव चार्जर इसको चार्ज कर रहा है एट 9.15 वोल्ट पर, अराउंड 1.85 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 17 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। चलिए बेस अस के चार्जर से भी देख लेते हैं, क्या मालूम कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाए। बेस अस का चार्जर भी इसको 9.12 वोल्ट पर चार्ज कर रहा है, अराउंड 1.85 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 16.89 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो क्लेम है 12 वोल्ट का माइक्रो यूएसबी से, वो भी गलत है, फेक है, धोखा है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पावर बैंक सिर्फ यूएसबी टाइप ए पोर्ट से ही आउटपुट देता है। जो टाइप सी पोर्ट है उससे सिर्फ आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, उससे आउटपुट नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप ए पोर्ट से ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल्स को देखने के लिए मैं विट्रन के इसी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पीयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पीयर, बीसी 2.0 में पीसीपी 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पीयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। चलिए एक बार मैं आपको टाइप सी एंड को भी दिखा देता हूँ। टाइप सी एंड नो पावर। चलिए दोस्तों अब वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सच में 18 वाट का पावर बैंक है, क्या हमें इससे 18 वाट की आउटपुट मिलती है। टेस्टिंग के लिए मैं SD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के इस यूट्यूब को एज ए मॉनिटर। चलिए सेटअप करते हैं। क्लेम की बात करें तो ये पावर बैंक मुझे टाइप ए पोर्ट से 5.1 वोल्ट पर 2.4 एम्पीयर तक मैक्सिमम दे सकता है। तो इस समय 5.15 वोल्ट पर 2 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, चलिए 2.4 पर डायरेक्टली पहुंचते हैं। इस समय 5.1 वोल्ट पर 2.4 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 12 वाट हमें इस पावर बैंक से मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो क्लेम है ये सही है। चलिए आगे देखते हैं कि मैक्सिमम हम लोग कहां तक जा सकते हैं। तो अराउंड 5.1 वोल्ट पर 3.1 एम्पीयर तक मुझे मैक्सिमम इससे मिल जाते हैं, मतलब कि 16 वाट तक ये 5.1 वोल्ट तक दे सकता है। और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, मैक्सिमम दोस्तों ये 16.3 तक गया था और उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट ऑन हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 9 वोल्ट पर, तो ये मैक्सिमम पहुंच रहा है 21.7 वाट तक, मतलब कि 9.06 वोल्ट पर 2.3 एम्पीयर तक। और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है, अराउंड 21.8 वाट तक टच करती है और उसके बाद वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है और कॉरेस्पॉन्डिंग वाटेज भी। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं एट 12 वोल्ट, तो इस समय 12.18 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर, मतलब कि 18.3 वाट मुझे इस पावर बैंक से मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम कहां तक जाता है। अराउंड 21.6 वाट तक ये गया था और उसके बाद आई थिंक ये जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो ऑन हो गया। तो डेफिनेटली जो क्लेम किया गया है कि ये आउटपुट में 5.1 वोल्ट पर 2.4 एम्पीयर, 9 वोल्ट पर 2 एम्पीयर और 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर तक दे सकता है, डेफिनेटली ये देता है और कहीं इससे ज़्यादा भी दे रहा है। अराउंड 21.8 वाट तक मुझे इससे मिल रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इन दोनों पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करूँ तो ये मुझे मैक्सिमम 5.1 वोल्ट पर 2.6 एम्पीयर तक ही दे पाएंगे। इन दैट केस ना ही 9 वोल्ट की चार्जिंग होगी ना ही 12 वोल्ट की। तो अगर आप दो डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली चार्ज कर रहे हो थ्रू दिस पावर बैंक, ये फिर 5 वोल्ट पर ही उसको चार्ज करेगा। अब आते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पर कि क्या ये पावर बैंक लेने लायक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं तो इस पावर बैंक को रेकमेंड नहीं करता,
क्यों? क्योंकि नो डाउट डिजाइन लुक में काफी सॉलिड है, मेटेलिक बॉडी है, बढ़िया सा नजर आ रहा होगा। दो आउटपुट पोर्ट्स हैं, माइक्रो यूएसबी और टाइप सी से आप इसको चार्ज कर सकते हो, 18 वाट की सपोर्ट है, बट ये पीडी 3.0 को सपोर्ट नहीं करता। भारी है, बल्की है, तो यहां पर अगर आप कोई 10,000 mAh का बढ़िया पावर बैंक लेना चाहते हो तो मैं रियलमी के 30 वाट के डार्ट सपोर्टेड पावर बैंक को प्रेफर करूंगा। अगर आपका बजट है इसको लेने का तो ये वन ऑफ द बेस्ट पावर बैंक है इन 10,000 mAh कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों आप चाहे रियलमी का नॉर्मल ले लीजिए या फिर वन प्लस का ले लीजिए या फिर शॉमी का पुराना वाला 10,000 mAh का ले लीजिए, वो कहीं बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मैं MI पावर बैंक 3i को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी दोस्तों इस पावर बैंक के अंदर क्या है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर सर्किट है, ये कितनी देर में चार्ज होता है, कितनी कैपेसिटी का है और आपके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार ये चार्ज कर पाएगा, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो डिटेल में तो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना ताकि आप लोगों से वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, बाय बाय।